कौन कौन सी? यस कौन कौन सी? यस पेपर में क्वेश्चन, एक्चुअली आपके पेपर में इस तरीके क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीरेट में आता था, आता है अभी। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए द सन इज अ स्टार, ठीक है, द सन इज अ स्टार, और आपसे पूछ लिया कि द आर्टिकल क्या है, द आर्टिकल का आर्टिकल किसका टाइप है, तो हाँ, तो दिल बी आस्किंग यू ऑप्शन में डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल, या कोई ये पूछ ले कि ये द क्या है, तो ऑप्शन में जैसे मिल जाएगा आपको नाउन, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो टाइप में याद रखना है कि बेसिकली आर्टिकल तीन टाइप के नहीं होते हैं, आर्टिकल आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। आपका आर्टिकल द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन इनको क्या बोला जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोला जाता है, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी, क्यों ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों और द डेफिनेट आर्टिकल क्यों? क्योंकि देखो ए और एन तो सिंगुलर चीजों की बात करते हैं या नहीं करते, और आर्टिकल द तो प्लूरल सिंगुलर सबकी बात करते थे, फिर उल्टा नाम दे दिया इनको, तो द को तो रखना चाहिए था इन्होंने इनडेफिनेट में, और ए एन को रखना चाहिए था इन्होंने डेफिनेट में। यस सी हाँ ये बात तो ठीक है आपकी, ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब क्या, यहाँ पे किस सेंस में ये बात बोली गई है? देखो इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं, ए एन आर्टिकल, सबसे पहले मैं इन्हीं को डिफाइन करना शुरू कर देती हूँ, सिंपल भी है। इनके बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, दे ऑलवेज टॉक अबाउट समथिंग न्यू, नई चीजों की बात हमेशा ए एन आर्टिकल करेंगे, द आर्टिकल कभी नई चीजों की बात करेगा ही नहीं। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला राम इज वेटिंग आउटसाइड, फिर मैंने बोल दिया राम इज वेटिंग आउटसाइड एंड द राम is waiting outside. These are three sentences. Now tell me which one of them is correct. Ram is waiting outside, Ram is waiting outside, or the Ram is waiting outside. तुमको कौन सा सही लग रहा है इसमें से? कोई तो सही होगा, मिडिल वाला। राम इज वेटिंग आउट, हम यही बोलते हैं इस कोई भी जो प्रॉपर नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन मतलब जो प्रॉपर नाम दिया गया हो, तो न्यू तुम नहीं जानते इस राम को, तो इंग्लिश में अगर मुझे बोलना होगा तो इसी बात को क्या बोला जाएगा, अ राम इज वेटिंग आउटसाइड, बिकॉज दिस नाउन इज स्टिल प्रॉपर बट दिस वन इज वेरी न्यू, बिल्कुल नया है, ठीक है। तो नई चीजों के लिए वी यूज ए और एन आर्टिकल, है ना। नाउ यू वुड से द राम इज वेटिंग आउटसाइड, तो क्या समझ में आता है इस बात से कि ए एन आर्टिकल विल बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट न्यू थिंग्स एंड द आर्टिकल विल ऑलवेज टॉक अबाउट प्री डिस्कस्ड थिंग। ये आर्टिकल किसकी बात करता है, प्री डिस्कस्ड चीजों की बात करता है, ठीक है। और ये तीनों ही सेंटेंस करेक्ट है इन अ वे और अनदर, इनको बस समझने का सेंस अलग हो जाता है। so, अगर सामने वाले को थोड़ी नॉलेज है दैट पर्सन विल क्लियरली टेल यू। अगर तुमने मुझे आके ये बोल दिया मैम आराम इज वेटिंग आउटसाइड, आई गेट टू अंडरस्टैंड, कोई नया पर्सन है, मैं भी नहीं जानती इसको, ठीक है, तुम तो जानते नहीं हो, तुमने कहा आराम इज वेटिंग आउटसाइड तो मतलब मैं समझ जाऊंगी मेरे फ्रेंड है। अगर तुम बोलो आराम इज वेटिंग आउटसाइड तो ऑटोमेटिकली मेरे को समझ में आता है इसके बारे में जो कल बात हुई थी उसी की बात कर रही है आप। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? हाँ, प्री डिस्कस इज द वर्ड हियर, डन। अब ए एन आर्टिकल का सिंपल सा ये देख लेते हैं, कहाँ पे ए आर्टिकल लगता है, कहाँ पे एन आर्टिकल लगता है। Now this game of using an article is depend upon sounds, ठीक है। दो तरीके के sounds होते हैं हमारे पास, एक there is vowel sound and consonant sound, ठीक है। Vowel sound क्या होती है आपकी, a, e, i, o and u, it's not u, it's u,
जब आप वर्ड पढ़ोगे तो कौन सा साउंड देखेंगे हम, ऊ वाला साउंड देखा जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी साउंड मिल रहा है तो क्या लगाएंगे, कॉन्सोनेंट का साउंड देते चलते हैं। तो जब भी आपके पास वाल साउंड होती है तो वाल साउंड के लिए आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए वी यूज आर्टिकल ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सेंटेंस लिखा अम्ब्रेला एंड यूनिवर्सिटी, तो मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि दोनों वर्ड्स का स्टार्टिंग वाल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर मेरे को इस बात से फर्क पड़ रहा है कि इन वर्ड्स का साउंड क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला में साउंड इज अ वाला, विच इज अ वाल साउंड, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एन अम्ब्रेला। और यहाँ पे साउंड क्या दे रहा है, य का दे रहा है यूनिवर्सिटी में, यानी क्या लिखा जाएगा, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई सेड आर ऑनेस्ट पर्सन हॉर्स, किसके आगे ए, किसके आगे एन, यस आर अ साउंड दे रहा है विच इज वाल साउंड एन आर, ऑनेस्ट में ओ साउंड आ रहा है विच इज एन, हॉर्स में ह साउंड आ रहा है ओ। ठीक है, वर्ड तो सेम ही है लेकिन सबके आगे क्या लगा, अलग अलग आर्टिकल लगाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द साउंड, वाल साउंड आएगी, वर्ड से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या लगाओगे, एन आर्टिकल। नहीं आ रहा है तो वी हैव टू यूज ए आर्टिकल, इज दैट क्लियर। बस ये है एन आर्टिकल। अब आर्टिकल का जो 90% पार्ट है ना वो द आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, ए एन ये आर्टिकल तो मैटर ही नहीं करते, यहाँ पे कौन ही पूछते हैं इनसे क्वेश्चन, लेकिन द आर्टिकल से वो करेंगे, तो इतना नोट डाउन करो, देन वी विल मूव टू आर्टिकल द। टेक्निकली पेपर में दिमाग में आना चाहिए कि इसके बाद तो कहीं ना कहीं नाउन लगा ही होना चाहिए, और मान लो पेपर में नहीं लगा है तो फिर क्या, सॉरी एच ए आई आर, आर है, सॉरी आर है, एच ओ यू आर, आर एच ओ यू आर। There is one more word, H E I R. How do you pronounce it? It's called air. Air, air. Air मतलब उत्तराधिकारी, ठीक है, जो next in line रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, air बोला जाता है। तो इसके आगे इसमें भी क्या sound आ रहा है, O. तो an air, ठीक है, ठीक है। Now we are moving to article the, ठीक है, चलिए। आर्टिकल द इज अ वेरी इलेबोरेट आर्टिकल, सारा का सारा मुद्दा आर्टिकल द पे अटका पड़ा है, पूरी दुनिया आर्टिकल द पे चल रही है, आर्टिकल द ना हो तो क्या हो जीवन में। तो नाउ वी आर मूविंग टू यूजेस ऑफ आर्टिकल द। सबसे पहला पॉइंट, तीन कंडीशंस में आर्टिकल द का यूज करा जाता है। सबसे पहला कंडीशन तो वही है, प्री डिस्कस्ड, यूनिक एंड स्पेसिफिक। इट हैज टू बी प्री डिस्कस्ड और यूनिक और स्पेसिफिक। क्या क्या होना चाहिए प्री डिस्कस्ड, यूनिक और स्पेसिफिक, किस चीज को होना चाहिए ऐसा, नाउन को, तभी आर्टिकल द लगाओगे उस नाउन के आगे आप। ठीक है, प्री डिस्कस में जैसे मैंने बताया था अब थोड़ी देर पहले आपको कि कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में पहले से ही बात हो गई हो विल यूज आर्टिकल द। मैंने कहा ये वही लड़का है जो मुझसे कल मिलने आया था, नाउ दिस बॉय हैज बीन प्री डिस्कस्ड ऑलरेडी, मैं जानती हूं इसके बारे में, तो क्या लिखा जाएगा, ही इज द बॉय हु केम टू मीट मी यस्टरडे। अब जैसे ही सेंटेंस में आपने नाउन के आगे इस आर्टिकल को लिखा देखा तो आपको समझ में आ गया कि ये लड़के से पहले बातचीत हो चुके हैं, इस लड़के से पहले मिल चुके हैं, तो सेंटेंस में क्या लिखा गया, आर्टिकल द लिखा गया। अगर मैं सेंटेंस लिखूं जैसे मैंने लिखा आई हैव डैश हाउस, डैश हाउस हैज अ विंडो एंड डैश विंडो इज वेरी वाइड, दिस इज द सेंटेंस। मैंने कहा मेरा एक घर है, यानी पहली बार जब मैंने इस हाउस वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया तो मैं इसके आगे आर्टिकल द लगा दूं कि ए लगा दूं, ए बिकॉज दिस वॉज न्यू।
अब पहले सेंटेंस में इसका डिस्कशन हो गया तो ये पुराना हो गया। अब जैसे ही मैं अगले सेंटेंस में जाऊंगी तो क्या लिखेंगे, द हाउस। अब ये द हाउस में विंडो पहली बार आ रही थी तो हमने क्या लगाया, ए आर्टिकल लगाया। अब जैसे ही ये विंडो पुरानी हो गई तो हम क्या लिख देंगे, द विंडो इज वेरी वाइड। एक ही सेंटेंस में यू गेट टू अंडरस्टैंड, वही वर्ड आर्टिकल द ले रहा है, वही वर्ड आर्टिकल ए ले रहा है, लेकिन दोनों का ही जो मीनिंग है वो बदल के दे रहा है। तो नई चीजों के लिए जैसे ही आप जाओगे तो ए एन आर्टिकल आ जाएगा, जैसे ही वो चीज पुरानी हो जाएगी तो क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना। इज दैट क्लियर नाउ?